बाल बदसुलूकी केस में आज सबकी नजरें अगर किसी पर टिकी है तो वो है विभव कुमार की गिरफ्तारी पर। वहीं इस पूरे मामले में केजरीवाल के रुख ने भी सियासत काफी गरमा दी है। और देखिए, विभव कुमार जो कि इस केस में आरोपी है, केजरीवाल के साथ लखनऊ दौरे पर गया था और वहां से पंजाब चला गया था। सवाल यह है कि वो पंजाब से कब लौटेगा, लौटेगा भी या नहीं, क्योंकि दिल्ली लौटते ही उसकी गिरफ्तारी तो अब तय मानी जा रही है। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आप क्यों जी आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में? अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। ये तस्वीर लखनऊ की है, जहां केजरीवाल से मीडिया ने स्वाति मालीवाल केस पर सवाल किया तो उनके चेहरे पर हवाएं उड़ती नजर आईं। जवाब देने की जगह वो माइक खिसकाते दिखे। सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने पुलिस में ये बयान देकर केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा दी है कि उनकी मौजूदगी में मेरे साथ मारपीट हुई। उन्होंने ट्वीट किया, मेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर ने बताया, जो मैं बोल रहा हूं बड़े जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, जब स्वाति मालीवाल जी को पिटवाया जा रहा था तो सुनीता केजरीवाल जी आदेश दे रही थी कि इनको मारा जाए पीटा जाए। मारपीट के आरोपी विभव कुमार को जिस तरह से केजरीवाल अपने साथ गुरुवार को लखनऊ दौरे पर ले गए और उसके बाद विभव के पंजाब जाने की खबर आई, उस पर सियासत गर्मा गई है। इट इज सरप्राइजिंग, इनफैक्ट शॉकिंग दैट दिल्ली चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल has not spoken a word about his party member of parliament Rajya Sabha Swati Malibal, who was misbehaved with, beaten up in CM's residence. महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी। इस विवाद में आम आदमी पार्टी में रही दिल्ली बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने भी कहा, विभव का वर्क प्रोफाइल केजरीवाल की बात मानना है। मैंने भी केजरीवाल का दुर्व्यवहार सहन किया है, वहां मारपीट करना बहुत सामान्य बात है।